हेलो जी। तो ये सीन्स हैं बीपी लॉ के। काम व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ना मैं ये कुछ काम वगैरह कर रही थी, जिसकी वजह से मेरा बीपी लॉ हो गया और फिर मुझे ये बोतल और नमक वगैरह पीना पड़ा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शावर लेके अच्छे से तैयार हो चुके हैं। मतलब अच्छे से क्या तैयार होना है, मैंने जस्ट शावर लिया है। आई जस्ट टुक अ शावर एंड थोड़ा बीपी शिपी लो हो गया था कि मैं सुबह से थोड़ा काम कर रही थी। आप लोगों को पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पर मुझे अपडेट होना होता है, जिनके लिए मुझे एडिटिंग भी करनी होती है, आइडियाज़ भी खुद बनाने होते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, तो सबको मैनेज करना होता है वन बाई वन। तो हो जाती है, तभी तो हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, बहुत ऑब्वियसली बात है कि इंसान थक जाता है। मैं भी थक जाती हूँ, इंसान हूँ क्योंकि मैं भी। तो खैर जो है, मैंने बीपी शिपी लो को अपना थोड़ा सा मेंटेन कर लिया है। अब जो है हम चलते हैं किचन में और जल के खाना बनाते हैं, क्योंकि अभी रात का टाइम हो रहा है। रात के मेरा 7:30 का टाइम हो रहा है, शाम के 7:30 बज रहे हैं और मुझे जो है ना शाम के बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं, आई थिंक रात के बज रहे हैं। तो चल के हम किचन में खाना बनाते हैं। बड़ी ज़ोर की भूख लगी है, बड़ी ज़ोर की भूख लग रही है। तो आज वो आप चलते हैं किचन में और चल के बनाते हैं ज़बरदस्ती सा टेस्टी सा खाना मेरे साथ। कमा तो मैंने सोचा कि क्यों ना किचन में जाने से पहले अपने जुल्फ़ों को बांध लिया जाए, नहीं तो पसीने से और ज़्यादा गंदी हो जाएंगी। और मुझे भी क्योंकि कल काम करना है कुछ वीडियोस वगैरह का, तो अगर इनमें पसीना आ गया और ये ख़राब होगी तो कल काम ही कर सकूँगी, सो इसलिए इनको बांध लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा भी बनाए ठीक है, हम चलते हैं किचन में और किचन में जाके जो है खाने पीने का काम स्टार्ट करते हैं। भूख लग गया बहुत ज़ोर से और अभी भी आने वाली हैं, तो खाना बना होगा तो हम फटाफट खाना खा लेंगे। और मुझे कुछ वीडियो एडिट करनी है, जिसकी वजह से खाना खाया होगा तो मैं एडिट कर पाऊँगी, नहीं तो मेरी हालत ऐसी ही रहेगी। ये इस पर मत जाना, ये जो है ना ये मेरा बर्थ मार्क है। सो आज चावल वॉश कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना मैं चावल भिगो लूँ, जब तक चावल भिगेंगे तब तक मैं मसाला रेडी कर लूँगी। चलो ना हम सासा समेत करेंगे, ठीक है। अभी मैंने नूडल्स बना के खाई हैं, तो उसका सामान पड़ा हुआ था, उसके रैपर पड़े थे, ये ब्रंच खाया है मैंने। साथ साथ कचरे का चौका बनाते जाएंगे ताकि काम दिख रहे हैं हमको ज़्यादा। और अगर काम दिख रहा तो भाई साफ को भी हम नहीं करना पड़ेगा, बेहतर नहीं कि पहले कर लो। फेस पे मेरे लाइट वाइट आया नहीं, पता नहीं क्या मैं कर रही हूँ, समझ नहीं आती। यहाँ पर लाइट करवानी पड़ेगी मुझे सेट, और वो भी मैं बहुत जल्दी करवा लूँगी। उस टाइम मैं छिपकली को ढूंढ रही हूँ कि कहीं छिपकली तो नहीं आई किचन में, क्योंकि जब मैं किचन में आई थी मेरी नज़र छिपकली पर पड़ी थी और अब वो मेरी नज़रों से ओझल हो चुकी है, पता नहीं कहाँ गई है। पर छिपकली है किचन में, मैंने खुद देखी है। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। सबसे ज़्यादा पता नहीं कैसे मैं किचन में आती हूँ ना, मुझे पता है कुकिंग करने के लिए। ज़बरदस्ती वो कहती हूँ कि नहीं यार किचन में जाना है और जाके कुकिंग करनी है, क्योंकि खाना तो खाना है ना, इनकी वजह से भूखे तो नहीं बैठ सकते ना यार। क्या करूँ। अभी जो मैंने लहसुन पीसा है ना, इसको मैं गरम गरम ऑयल में डाल दूंगी। अब जो ये मैंने टमाटर काट रखे हैं ये इसमें ऐड कर दिए। मसाला मैंने इसमें डाल दिया जो मुझे डालना था, डिस्क्रिप्शन दे दूँ आप लोगों को। चलो मुझे तो सबसे पहले जो हमने किया है वो ये किया है कि हमने टमाटर को और लहसुन को जो हमने कूटा था, लहसुन जो हमने लहसुन का पेस्ट था और जो हमारा टमाटर का जो हमने काट के बिटा लिया था इसमें ऑयल के अंदर, उसको अच्छे से फ्राई कर लिया, उसको इस तरह से मेल्टेड बना लिया, ठीक है। ये मेल्टेड हो गया गैस हल्के के लिए, मुझे आप लोगों से बात कर लूँ तो जी। फिर उसके बाद हमने जब ये हमारे टमाटर मेल्ट हो गए हैं इसमें ऑयल में, ठीक है, उसके बाद हमने इसमें मसाला डाल दिया, नमक डाला मैंने फॉर टेस्ट, एज़ पर टेस्ट जो आपको जितना आपको लगे हंस पे जायका नमक डाला मैंने इसमें, सुरख मिर्च डाल दिया मैंने इसमें और एक चम्मच सुरख मिर्च डाल दिया। कुछ के टेस्ट होते हैं कुछ ही कम होती है मिर्च, तो वो भी इतने हिसाब से डालिएगा आप, क्योंकि हम लोगों की साइड पर हमेशा सुरख मिर्च मतलब बहुत तेज़ वाली आती है, तो मैंने एक चम्मच डाली है। हल्दी डाली है इसमें, क्योंकि हल्दी ना डाले तो इसका कलर नहीं आता, मज़ा नहीं आता। तो जी उसके अलावा मैंने इसमें कलौंजी के कुछ दाने डाले हैं और मैंने इसमें जीरा डाला है एंड डेट्स, यही सब डाला मैंने इसमें। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी और मैं इसमें आलू वॉश करके डालने लगी हूँ, मैं उनको दिखा दूँगी। तो अब मैंने आलू वॉश कर लिया और इन आलूओं को इसमें हम ऐड कर देंगे। मेरा हाथ लिटरली शिवर कर रहा है, तो रुक जाइए।
ये मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं और अब मैंने गैस पे थोड़ी सी तेज़ कर दी है और अब मैं इनको पकाऊंगी अच्छे से। तो जब तक हमारा मसाला रेडी हो रहा है तब तक मैं जो है सलाद का रायते का सामान तैयार कर लेती हूँ, इसलिए मैंने सामान काटना शुरू कर दिया है। तो पहले हम जो है इसमें पानी डाल देते हैं ताकि ये बॉयल हो जाए, क्योंकि हमने इसको भूनना था आलू को, ऑयल के अंदर भून लिया ना सारे के अंदर। अब इसका काम जो है थोड़ा उसका हम इसमें पानी डाल के इसको पकाए चिकड़ी को देखते हैं बार बार। ये हो गया जिसमें पानी ऐड, थोड़ा सा और डाल दूँगी इसमें पानी क्योंकि काम लग रहा है। मुझे ना बस किस चीज़ का मुझे सिर्फ चिकली का डर लग रहा है और चिकली से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा। बाल देखो मैंने कैसे मैंने हल्के कंघी कर ली है, बालों में फिर भी मेरे बाल ऐसे हो गए हैं। पानी हमने डाल दिया है तो ना चम्मच ला देंगे हम इसमें। यार कुकिंग के साथ ब्लॉगिंग करना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा ही मुश्किल काम है। मुझे काफ़ी पता भी नहीं चल रहा था मेरा मोबाइल किस साइड पर है, बस मैं बोल रही हूँ। गैस थोड़ी तेज़ कर देंगे जैसे कि हमने कर दी है, अभी पकेगा तब तक हम लाइफ तैयार करेंगे। आज तैयार है बिल्कुल, यहाँ पे चावल में बस उबाला लगेगा तो चावल डालूंगी तो चावल भी तैयार हो जाएंगे। पानी उबल चुका है, अब इसमें हम राइस ऐड कर लेंगे जल्दी से क्विक वाला। पर कैप दे देना है और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है ऐसे ही। चलो चल के किचन में चावल देख लेते हैं कितने हो चुके हैं। ऑलमोस्ट पानी लगेगा, हल्का सा पानी कम पड़ गया, भाई पानी कम पड़ गया, पानी डाल के फिर इनको दम लगा लेते हैं। तो बस चावल तैयार होने वाले हैं, फिर हम खाना खाएंगे, खाना खा के हम थोड़ा सा और ब्लॉग करेंगे और फिर ब्लॉग को एंड कर देंगे। जल्दी से प्लेटिंग करते हैं, खाना तैयार हो चुका है, जल्दी से प्लेटिंग करते हैं और फिर खाना खाते हैं। खा लिया हुआ है और मैंने थोड़ा बहुत काम करना था वो भी कर लिया, सामान फ्रिज में लगा देते हैं साथ के साथ। तो आजकल ना कैल्शियम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हुई है क्योंकि मेरी हड्डियों ने जवाब दे दिया, लिटरली मेरी हड्डियों में इतनी दर्द है क्योंकि मुझे जो है कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कैल्शियम की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो इसलिए मैंने आज के लिए कैल्शियम बनाया। मेरा कैल्शियम खत्म हो गया, आपके वाला कैल्शियम है बट मैंने कहा कैल्शियम तो कैल्शियम ही होता है, फिर जो समझ सकती है। यार इतना मज़ेदार ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरीदा की बोतल पी लूँ। किचन में ना दो चार बर्तन पड़े हुए हैं रात के, तो मैं सोच रही हूँ कि साथ ही धो लेती हूँ और धो के सो जाती हूँ ताकि किचन नीट हो जाए। जैसे पहले कल दिखाया था ना कितना प्यारा लग रहा था, साफ सुथरा किचन, इसलिए कहना है ये मेरे घर वाले ना मेरी बेइज्जती करने से कभी बाज नहीं आएंगे, कभी बात नहीं आएंगे, पर कोई बात नहीं, हम इनको दिखाएंगे। पसंद आ गया तो मैं आप किचन में ही घुसी रहेगी, हम अब इनको दिखाएंगे कि हम रोज़ाना किचन साफ रख सकते हैं, लाइट बढ़ा दी इधर रख कर तुम कर, तो अब हम इनको बताएंगे कि हम किचन रोज़ाना भी साफ रख सकते हैं। इनको कौन समझाएगा, हम थक जाते हैं, हम भी इंसान हैं, सुन रहे हो कैसे बातें सुना रही हो। रोज़ाना किचन साफ करते हो, रोज़ाना आप लोगों के सामने किचन बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा, साफ सुथरा, फिर भी कह रही हैं कि क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ, आप लोग कुछ बोलो क्या कर सकती हूँ। आप लोग इनको समझा सकते हो कि मैं किचन कितना साफ रखती हूँ, कितना मतलब कितना टाइम देती हूँ घर को और सारी चीज़ों को, अपने काम को भी टाइम दे रही हूँ साथ साथ सारी चीज़ों को भी टाइम दे रही हूँ, लेकिन इनको यकीन नहीं आ रहा। कोई बात नहीं आ रहा तो ना आए, मैं कह सकती हूँ।
क्या क्या आप दोबारा बोलिएगा। मैं काम वाली नजर आती हूँ। हाउ डेयर यू ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? कैसे हिम्मत हुई? मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, आप कुछ कह सकती हूँ जी? आप कह सकती हैं काम वाली आंटी। यार ये एप्रिसिएशन था या बेइज्जती थी मुझे समझ कुछ नहीं। ये एप्रिसिएशन था वैसे, मैं इसको पॉजिटिव वे में लूँगी एप्रिसिएशन देकर, ठीक है? बाकी इनकी मर्जी, इन्होंने बेइज्जती की थी या एप्रिसिएशन दिया वो इनका इनका मोटिव है, मेरा थोड़ी। अब वैसे इनसे पूछ लेते हैं कि ये एप्रिसिएशन थी कि बेइज्जती थी, क्या थी? जो समझ लो का मतलब यही है, क्लियर कट, बेइज्जती थी। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर तक बर्तन वॉश करके। बर्तन धुल चुके हैं, क्या कहती हैं बोलो, क्या कर रही थी आप? कुछ ना कुछ तो ये कह रही थी कि जो प्लांट है ना, ये हम लोगों ने प्लांट लगाया है जामुन का, लेकिन ये देखो इसकी भी अपनी मर्ज़ी, जैसे हम सबकी अपने अपनी अपनी मर्ज़ी चलती है, वैसे इसकी भी अपनी मर्ज़ी चल गई है। निकल साइड से रहा, लगाया सेंटर में था, निकल साइड से रहा है, यहाँ से देखो, मतलब कुछ भी, जितना मर्ज़ी मैं अपने बहन भाइयों के सीधी डायरेक्शन में बिठा लूँ, मेरे बहन भाई टेढ़े निकलते हैं मुझे निकाल के, है ना? बोल दो हाँ सभी। नहीं भाई कुछ भी हो जाए बेइज्जती तो करनी करनी है, कुछ भी हो जाए। वहाँ पे एक और प्लांट लग चुका है, मनी प्लांट, एक और प्लांट मेरे हाथों से। ओके गाइस, तो एज यू कैन सी के एसी चल चुका है, और एसी चल चुका है तो अब मतलब सोने का टाइम हो चुका है। रात के 2 बज रहे हैं, लिटरली 2 बज रहे हैं, और अब जो है ना मैं सोने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। बिल्कुल मिलूँगी अब आपसे सुबह मॉर्निंग में, तब तक के लिए आप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सुबह के 10 बजे एंड मैं उठ चुकी हूँ, सुबह के 10 बजे और मैं उठ चुकी हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मेरी बाजी ने मुझे उठा दिया सुबह सुबह। एसी बंद किया और मेरे फौरी आँख खुल गई, डेली ऐसे ही होता है। और आज हमें बिल्कुल उठने का दिल नहीं था, शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन है, ऑब्वियसली डेली ब्लॉगिंग कर रही हूँ जिसकी वजह से बहुत पेन आई हुई है मेरे शोल्डर्स में, मुझे पता है वो नहीं है। ये इनकी वजह से हुआ है, जो भी हुआ अभी जो हम बिहाइंड था उस पर बात करें ना सीन में, वो इनकी वजह से। तो हेयर आई कम टू एंड दिस व्लॉग, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरी बेइज्जती, मुझे तो पता है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी जो मेरे घर वालों ने की है, आप ही ने मेरी बेइज्जती की है ना रात, आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो डू लाइक शेयर कमेंट और माई यूट्यूब चैनल, मुझे स्नैपचैट ब्लॉग्स मिलूंगी कल के व्लॉग में। और तब तक के लिए आपने क्या करना, आपको पता है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट पर स्पैम डाल देना है, और एक तो साथ वाले घर में काम चलाना है जिसकी वजह से मुझे बार बार व्लॉग रोकना पड़ता है। तो खैर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।